क्या बात है, ऐसे भाई चलाया करेगा गाड़ी। ये देखिए यार, कारो सीट हमारी। फिर से उठो चलो, अब नीचे ना फ्लोर जो है पैक हो रहा है और सर जी नए काम नहीं चंगा हो रहा। देखिए कारपेट यहाँ लग गया, यहाँ भी लगाना है, अभी इस साइड पे लगा रहे हैं, पीछे भी बहुत तेरी। अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल चाल है, ठीक ठाक है यार। आई डोंट फील लाइक मेकिंग अ व्लॉग टुडे, बट आप लोग के लिए बनाना पड़ेगा क्योंकि आज गाड़ी का काम हो रहा है। और अभी मैं जा रहा हूँ यार मुंडगुमरी रोड, वहां से मैंने लेने हैं कुछ स्विच लेने हैं, उसके अलावा मैंने क्या लेना था, हाँ हैंडल लेना है गाड़ी का, और हाँ नमदा लेना है यार, वो नीचे फ्लोर पे लगना है। आज पोशिश वाला भी आएगा, वो आके गाड़ी हमारी पैक करेगा नीचे से, ठीक है। कल मैं जाके कारपेट ले आया था, वो मैं आपको भी उतर के दिखा देता हूँ या फैक्ट्री पहुँच के दिखा दूंगा, सही है। तो अभी चलते हैं यार, चीज़ें वगैरह पहले मुंडगुमरी रोड से ले लेते हैं और उसके बाद आप लोगों से बताता हूँ। मुंडगुमरी रोड आया था, मैंने लैंड रोवर वालों से पूछा ये हैंडल, उनके पास लोकल पड़े हुए थे जो कि मुझे नहीं चाहिए, और ये स्विच का पूछा था तो पता क्या कहते, कहते यार 6500 रुपये का एक स्विच है। तो अभी यार एक और भाई हैं गड़ी शो में जिनसे वैसे मैं सामान लेता हूँ, उनके पास चलते हैं। पहले ना वो ले लें साउंड डैम्पिंग शीट, वो ज़रूरी है, पूरी गाड़ी पे हम नहीं लगाएंगे, हम सिर्फ दरवाज़ों पे लगाएंगे। ये अभी इमरान भाई के पास से गुजर रहा हूँ, इनसे भी मिल लेते हैं। नहीं इमरान भाई, आपने नहीं लगा के देनी लैम्पो डोर किट, हमें पता लग गया मुझे। क्या हाल चाल है जी, ठीक ठाक हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं। यार ये वाली है साउंड डैम्पिंग शीट, ये देख लें एटीएम की है, बस ठीक हो गया, ये ले लेते हैं। ये बॉयज चेक करें, किसी ने रोल्स रॉयस बनाई है, क्या बात है यार, लीमो एक्सटेंड की हुई है गाड़ी, आई थिंक सो यार ये क्राउन पे बनी है, यस ये देख लें, अच्छी लुक दे रही है माशाल्लाह यार, हैट्स ऑफ। देखें लोग मेहनत कर रहे हैं यार, हमारे पाकिस्तान में भी हर चीज़ होती है। यस वेरी नाइस बॉयज, साउंड डैम्पिंग शीट आ गई, अब मैंने लेना है नमदा, वो भी ले लेते हैं। नमदा भी ले लिया मैंने, ये मैंने कम से कम 2 गज लिया है। ओ भाई क्या कर रहे हो, ये हमारी सीट के नीचे ना वो पूरा वो उसका बना हुआ फ्रेम, उसके अंदर लगना है, सही है। तो अब चलते हैं गाड़ी पैक करवाते हैं। यार मैं आ गया हूँ डिफेंडर के जो डोर के हैंडल वगैरह लेने हैं, तो वो चीज़ें लेते हैं, आपको ले कर मैं दिखाता हूँ। और हमने बैक जो डोर है उसका हमने इनर जो है लाइनर भी लेना है, तो वो भी लेके आप लोगों को दिखाता हूँ। बॉयज ये डोर हैंडल्स ले ली हैं और स्विच भी ले लिया, सोचो स्विच कितने का आया होगा, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। ये देखें डोर हैंडल्स आए 2600 के और स्विच आया 2400 का, कहाँ 6000 कहाँ 2400। बाकी बॉयज जो पिछले दरवाजे का गत्ता है वो हमें मिलेगा कल, वो कह रहे थे यार अभी तक तैयार नहीं हुआ, तो कल तैयार हो जाएगा, आप कल आके ले लें। तो यार अभी चलते हैं फैक्ट्री, फैक्ट्री जाके आप लोगों से मिलता हूँ, ठीक है। ब्रोस मसला हो गया यार, गाड़ी के पास आया था और वो नहीं आया हुआ कोशिश वाला जिसने पैक करनी है, उसको अभी कॉल किया तो वो मुझे कहता है कि यार मैं कल आऊँगा, चलो वो कल आ जाए कोई नहीं। बाकी अभी वैसे भी शाम हो गई है तो फिर कल काम करवा लेंगे बाकी। यार मैं देखना फॉर्म है कि नहीं, क्योंकि फॉर्म भी लेके आना पड़ेगा, लेके आना पड़ेगा, ग्लू है काफ़ी है, देखते हैं। ये है उसमें भी है, चलो देखने। फ्रंट के लिए मैंने रिकारो सीट्स मंगवा के रखी हुई है ब्रांड न्यू, एक ये पड़ी है, एक कहते हैं अंदर की पड़ी है, ये पड़ी है। The next day. जी अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल है, ठीक ठाक हैं यार। आज भाई आ गया वर्कशॉप, आज कुक भाई भी आ गए हैं, वो कर रहे हैं गाड़ी पैक। क्या हाल है जी, ठीक ठाक हैं आप? ठीक सर। चाय वगैरह पिए? अच्छा ये देखें, अब नीचे ना फ्लोर जो है पैक हो रहा है, नीचे ये पहले हमने फोम लगा के ऊपर से ये रबर शीट लगाई है, ये देखें ये वहाँ तक, और अब पीछे कर रहे हैं, फोम ख़त्म हो गया, मैं जाके फोम लेके आता हूँ। अच्छा हाँ मैं चीज़ें भी ले आया हूँ, किधर गई, ये पड़ी है, ये साउंड डैम्पिंग शीट कल आपके साथ ही ली थी मैंने, और ये कारपेट है, ये देखें जी ये सारा नीचे लगना है, और ये जो है ना इसे क्या कहते हैं नमदा, यस ये लगना है यहाँ अंदर, ठीक है। यहाँ बैटरी आती है, वो टूल बॉक्स है बीच वाला, ये भी बंद कर देना हमने। यार ये नया फॉर्म ला दिया मैंने, अब ये राणा भाई जो है ना ये बना रहे हैं, ये देखें यहाँ सुराख है, ये अंदर सुराख है, ये तो इसके ऊपर ये कवर आ जाएंगे, इनको यहाँ से बंद कर देंगे,
ये वैसी टूल बॉक्स है, इसकी ज़रूरत नहीं है। वहाँ बैटरी आएगी तो वो हम कोई ना स्लाइडिंग वाला बना देते हैं। यहाँ बीच में नीचे गियर है तो ये तो हमने परमानेंटली बंद कर देना। मेरे पीछे ग्लू वगैरह लगा रहे हैं, उसके बाद ये रबर शीट लगेगी, यहाँ फोम नहीं लगेगा। ठीक है, फोम ये आगे लगना था, इसके नीचे फोम लगना है। ठीक है, अब ये कर रहे हैं भाई, ये हमजा साहब इधर ही हमारे साथ आ रहे हैं। ये भाई अभी चाय ब्रेक ले रहे हैं। अब यार गाड़ी आई थिंक सो ऑलमोस्ट ख़त्म हो गई हमारी, और ज़्यादा कोई काम नहीं है। हाँ जी, सीटों की फिटिंग का क्या हुआ, कुछ समझ लगी है? देखते हैं आप उसको। यार सीट पड़ी है यहाँ ना, एक मसला आ गया है कि ये हमने इसके देख रहे हैं चैनल चलने के लिए ना ये बनाया हुआ है। अब सीट को मतलब कैसे हम टाइट करें, यहाँ से हाथ कैसे डालें, मतलब ऊपर तो सीट आ जाएगी। तो ये है कि अब कोई ना कोई ब्रैकेट बनाने पड़ेंगे, तो ब्रैकेट बना लेते हैं। ये देखें यार, ये कुछ ऐसे ब्रैकेट बनाए हैं यार, ये पता नहीं पहले ही जंग लगा हुआ था इसको। सही है, ये देखें इस साइड का आ गया, ये आ गया, वो आ गया, वो वाला भी बन रहा है। तो फिर ये होगा कि हम लोग सीट यहाँ रखेंगे, सीट रख के और ब्रैकेट जो है यहाँ साइड पर टाइट हो जाएंगे। सही हो गया यार, ये वाला जो था ना आइडिया, ये हमने कर दिया ड्रॉप, क्योंकि राणा भाई को नहीं पसंद आया। अब वो प्रॉपर तरीके से जो है इसकी फिटिंग बना रहे हैं, ऐसे ही है ना राणा भाई, जो काम भी अच्छा लगे, जुगाड़ वाला काम ना लगे। ये देखें, अब यहाँ से पट्टी आएगी, नीचे छुप जाएगी। ये देखें यार, कारो सीट्स हमारी, क्या बात है। जी जनाब, आपकी बात कहाँ तक पहुँची है? कौन सा वो क्लीन लगा भी दी है? ओ भाई, ओ भाई, ओ भाई, ओ भाई, ये देखें जी क्लीन लग गया। क्लीन कह रहा हूँ, मैं भी क्लीन गई जा रहा हूँ। कारपेट लग गया मैं जी, मैं अभी आपको देता हूँ डब्बा। ये देखिए कारपेट यहाँ लग गया, यहाँ भी लगाना है। अभी इस साइड पे लगा रहे हैं ताकि ऊपर से पैक हो जाए पहले, देन आफ्टर दैट इसके नीचे वो फॉर्म लगा के यहाँ भी लगाएंगे। हमारी रिकारो सीट चेक करें आप, इसकी फिटिंग बन रही है। बस यार काम कर रहे हैं, अब ईद है 10 दिनों में, ईद से पहले इंशाल्लाह इंशाल्लाह हम गाड़ी कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है ना भाई, सही हो गया, चैनल भी चल रहा है सारा, और ये ऐसे ही जाके लग जाएगा नीचे, वो पत्रियां लगेंगी, ये पत्रियां आएंगी अब ये वाली। अच्छा अच्छा अच्छा, तो ये इधर आ जाएंगी, ठीक हो गया, ये पट्टियाँ जो होती है उसके साथ फिक्स हो जाएंगी। हाँ वो मुझे लग गया पता, हाँ बॉडी के साथ फिक्स हो जाएंगी। अब ये जो उनसे बोल्ड है ना, और ये टाइट हो जाएंगे, निकालेंगे बोल्डों को, वेल्डिंग करेंगे नीचे से पट्टी ऐसे वो लगा देंगे, बोल्ड बाहर आ गए। ठीक है, ये फिक्स हो गए, ये फिक्स हो गए, ऊपर पोशी कर देंगे। हाँ ऊपर पोशी आ जाएगी, ठीक है, बाहर होंगे, बोल्ड बाहर होंगे, वो इसके साथ कस जाएंगे। हाँ इधर ठीक है, सीट यहाँ परफेक्ट है, क्या बात है। ऐसे भाई चलाया करेगा गाड़ी, ठीक है इधर ही बना दें। कारपेट से उठो चलो। अच्छा यार ये देखें, हाँ जी क्या हो रहा है, क्या बात है, पीछे लगा दी कारपेट। ये देखें ये क्या है, सर जी नहीं काम नहीं चंगा हो रहा, सोचन ला दे, काम नहीं अच्छा ही नहीं लग रहा मुझे, काम क्या नहीं अच्छा लग रहा, काम नहीं अच्छा लग रहा। ठीक है, ये जरा प्यारा सा करके साफ सफाई करें इसकी, पता लगे जैसे दुल्हन नहीं सजी होती। बड़ा हरामी हो बेटा, वैसे सजा दी है। ये बनाई है जी राणा भाई ने, ये नीचे लगेंगी, ये देखें इन्हें बेल्ट कर दिया पेचों को, अभी लगाएंगे फिर आपको समझाता हूँ। हाँ ये देखें, यहाँ से नीचे से वो बोल्ट आ जाएंगे और यहाँ टाइट हो जाएंगे, इसके बाद कोशिश आ जाएगी ना। लो बॉयज, लाइट जल गई, कारपेट देखें लग रहा है। अच्छा ये देखें, हमने एक्स्ट्रा कारपेट छोड़ा आप लोगों के लिए, आके इसके ऊपर से चल के जाएं, वॉक ऑफ फेम मेरी जान। नहीं ये भी कटिंग हो जाएगी यार, चलें ये भी हो गया, ये देखें साइड पर भी लग गया, नाइस नाइस जॉब। यहाँ हमारे पैनल हैं बने हुए हैं, वो आ जाएंगे, ये सब छुप जाएगा। ये वाला यार पीस रह गया, ये भी रह गया,
और इधर अभी ये फिटिंग बन रही है सीट की, वो भी अंदर से सारा होना है पैक। फ्रंट सीट हमारी होगी ये फिट, ये देखें ये पत्रियाँ, आपको पता नीचे से लगाई हैं, यहाँ से पेच निकाले थे और ऊपर बोल्ट लगा दी, इसके ऊपर ही बोल्ट आ जाएगा, प्रॉपर फिटिंग हो जाएगी, ये पैक हो जाएगा, ये सब छुप जाएगा, सही है। अब इसके चैनल भी चल रहे हैं, आगे पीछे भी हो रही है प्रॉपर तरीके से, सही है। तो ये होता है भाई सही तरीके से अगर बंदा काम करे। चलाए ज़रा लो गाइस, पीछे भी हो रही बहुत तेरी, अभी लगाए नहीं, पेश नहीं लगाए, टेंशन ना ले, लेकिन आगे पीछे हो रही है, ठीक है ना, चले ठीक हो गया, जितनी मर्जी पीछे ले आओ, फुल आगे पीछे सही है तक। और मतलब इसके नीचे के टूल भी निकालने हैं तो आप टूल भी निकाल सकते हैं, जगह बन गई है ना। हाँ। वो शीट निकाल के सही है, तो फिर वो बनानी पड़ेगी आपको, वो ही बनानी पड़ेगी, क्योंकि टूल शूल तो रखने हैं ना इधर नीचे। यार बॉयज ये देखें टाइम हो गया 8:41, ओ भाई आपका प्यारा लग रहा है। तो यार आज सारा काम नहीं हो सका, लेकिन देखें इस साइड की सीट लग गई, ये अभी हमने उतार देनी है, फिटिंग बन गई है क्योंकि अंदर से सारा पैक होना है, और उस साइड की भी नहीं, उस साइड की नहीं हुई, वो कल होगी इंशाल्लाह। तो यार ये व्लॉग का अपडेट तो मैं आप लोगों को दूं, बाकी देखें कारपेट ऐसे रखा है अभी, लगाया नहीं है, और क्या किया, वेल बस हमारे बंदे की होगी है बस, और वैसे भी यार रात के 9 बज गए। ये अच्छा ये पीस वगैरह लगा दिया उन्होंने, यहाँ ये सीट के कब्जे हैं, ठीक हो गया। वेल गाइस यार गाड़ी अभी सही से पैक नहीं हुई, मतलब पूरी पैक नहीं हुई, इंशाल्लाह कल हो जाएगी, सीट भी कल फिट हो जाएगी, छोटे मोटे और काम है वो करेंगे कल, जो पिछले दरवाजे का गत्ता लेके आना है वो भी लेके आऊँगा मैं, और क्या करना था यार, बस अभी ईद में रह गए 10 दिन, इंशाल्लाह उम्मीद पूरी है कि ईद से पहले पहले गाड़ी हमारी ऑन रोड होगी, एक्सटीरियर और इंटीरियर का काम कम्प्लीट होगा, बाकी साउंड सिस्टम लगवाना है जो भी हमने टिप टॉप करनी है वो तो यार आपको पता बात के काम है, लेकिन गाड़ी एटलीस्ट ऑन रोड आ जाएगी, सही है। तो अगर आप लोग ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और इंशाल्लाह मिलते हैं कल, टिल देन टेक केयर और अल्लाह हाफिज़ गाइस।